यूं तो कभी कभार बंदर मोहल्ले गली परिसर में आ जाने से कुछ वक्त के लिए धूम मच जाती है, जिससे छोटे बच्चों में भी उन्हें देखने खासा उत्साह नजर आता है। यह नज़ारा हमें कभी कभार परिसर में गली मोहल्ले में देखने को मिलता है, परंतु यदि बंदर वन यानी उनका निवास स्थान छोड़कर यदि गांव में डेरा डाल दे तो यह बात एक गंभीर समस्या है। वो कैसे, आइए हम आपको कोठारी गांव में चल रही ऐसी ही एक समस्या से अवगत कराते हैं। कोठारी गांव में बंदरों ने धूम मचा रखी है, जो कि गाँव वासियों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि करीब 5-6 माह से बंदरों ने गांव में धूम मचा रखी है। बंदरों के आतंक से लोगों को भय के साए में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। महिला, बच्चे व बुजुर्ग, इनके अलावा सरकारी कार्यालय, स्कूल जैसी जगहों पर भी बंदरों ने उत्पात मचाया है। बंदरों के आतंक से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अब घरों की छतों पर जाने से भी कतराते हैं। बंदरों के उत्पात के चलते महिलाएं व छोटे बच्चे भी जख्मी होने का डर बना रहता है। सड़क पर पैदल निकलते समय कहीं अचानक बंदर आकर हमला न कर दे, इस डर से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, बंदर घरों में घुसकर घरों में भरी खाद्य सामग्री, राशन भी हड़प कर जाते हैं, जिससे यहाँ के लोगों के रातों की नींद उड़ गई है। बंदरों ने गाँव वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। इस समस्या से त्रस्त होकर गांववासियों ने कोठारी वन परिक्षेत्र अधिकारी इन्हें निवेदन देकर 15 दिनों के भीतर बंदरों का बंदोबस्त करने की मांग की है। इस वक्त कोठारी वन परिक्षेत्र अधिकारी इन्होंने बताया कि बंदरों का बंदोबस्त करने का निवेदन उप वन संरक्षक मध्य चांदा वन विभाग की ओर आगे की जाँच के लिए भेजा गया है। मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी कोठारी बिजिया के आज ग्राम पंचायत महिला मेंबर यांनी माकडांचा बंदोबस्त करा या निवेदन कोठारी कार्यालय प्राप्त झाले, त्याबद्दल आम्ही आमच्या लेवलवरती माकडांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न करू। वन परिक्षेत्र अधिकारी कोठारी येथे प्राप्त झालेले निवेदन माकडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी ते आम्ही माननीय उपवन संरक्षक मध्य चांदा वन विभाग यांच्याकडे पुढील कार्यासाठी सादर करत आहे। कोठारी परिक्षेत्र अंतर्गत एक आता कोठारी गावामध्ये जो माकडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी एक पथक ठेवू आणि वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कारवाई करण्यात येईल। आज जिथे जिथे शाळा आहे किंवा अंगणवाडी आहे तिथं काळजी घेतली जाईल। मी सौगीता ताई शामराव जुनघरे, कोठारी ग्रामपंचायत गावानुसार। आमच्या गावामध्ये बंदर माकडं भरपूर आहे, ते बंदरे आमची खूप नुकसान करते, घरात घुसते, आमच्या मुलांच्या हातातले खाऊ घेऊन जाते, घरातले किचनमधल्या पोळ्या नेते आणि आमच्या घरामध्ये खूप त्रास देतात। बरण्या, डब्बे, किराणा सामानाचे पुडे सगळं घेऊन पळतात। वन परिक्षेत्राधिकारी कोठारी यांच्याकडे आम्ही अर्ज सादर केला। आज त्यानंतर जर 15 दिवसात बंदोबस्त नाही केला तर दुसरं निवेदन देऊ आणि त्यानंतर आम्ही आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरवू। यशाचे नव्हते, कोणीतरी आणून इथं सोडलेले आहे। पहिले आमच्या गावाच्या शेजारी होते, आता आमच्या गावात धुमाकूळ घालत आहे। मी सचिन भटारकर, कोठारी येथील वाडनोर 5 येथील रहिवासी आहे। हे गावात राहणारे माकड आहे, यांचा 5-6 महिन्यापासून खूप गावामध्ये धुमाकूळ आहे। एक प्रकारची लहान मुलांना, स्त्रियांना एक दहशत निर्माण केली या माकडांनी। घरातून किराणा सामान, लहान मुलांचं खायचं सामान हे घरातून घरात घुसून ते घेऊन पडतात। तर आम्ही एक पहिलं पाऊल म्हणून रितसर सर परिक्षेत्र फॉरेस्ट ऑफिस कोठारीमध्ये एक निवेदन सादर केलं। तर आता ते काय कारवाई करते ते पाहून आम्हाला नंतर उपोषण वगैरे करावं लागेल।